ये सच है कि आप एक रात में एक वीडियो देखकर अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक वीडियो देखकर आप अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ इस दुनिया से। जिस तरह आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हो ना, उसी तरह इस दुनिया को भी शट डाउन कर दो। बाहर की दुनिया से सब रابطे खत्म कर दो, भूल जाओ सारी चीजें, फजूल दोस्तों से मिलना बंद कर दो, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपनी जिंदगी से सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दो और फोकस करो सिर्फ अपने आप पर। लोगों के लिए ऐसे हो जाओ जैसे आप है ही नहीं। सब रابطे खत्म कर दो, सिर्फ अपने आप से, अपनी जात से रابطा रखो, और ये सारी जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करो, अपना बेस्ट निकाल कर इस दुनिया को दिखाओ कि आपने पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है, घुट घुट कर, लोगों की बातें, लोगों के ताने सुनते हुए। आप अपने आप को बदलने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। अपनी जिंदगी से हर नेगेटिव चीज को, हर नेगेटिव इंसान को, हर मनफी सोच को अपनी जिंदगी से दूर कर दो। हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों से दूर कर रही है, उस जिंदगी से जो तुम जीना चाहते हो रोक रही है। आप वो बनकर दिखाओ जो आप बनना चाहते हो, आप वो बन के दिखाओ जो आपके माँ बाप आपको देखना चाहते हैं। आप खुद को ऐसा बनाओ कि वो आप पर फख्र करें। अगर आप बंद दरवाजे के पीछे बैठकर खुद पर काम करोगे, कुर्बानी दोगे, तो हर दरवाजा, कामयाबी का हर दरवाजा आपके लिए खुलता जाएगा। हर कोई आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए खामोश रहकर खुद पर काम करो और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दो। एक इंसान प्राइवेट में जो खुद पर मेहनत करता है, उसी का रिजल्ट, उसी का रिवार्ड उसे पब्लिक में मिलता है। अपने आप से ये वादा करो कि मैं सर झुकाकर खामोशी से अपना काम करता रहूंगा, यहां तक कि मेरे रिजल्ट्स बोलना शुरू हो जाएं। अपने आप से ये सवाल करो कि क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो, क्या आप ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते थे। और अगर आपका जवाब नहीं में है, तो फिर इसको बेहतर बनाने पर काम करो। वो सब चीजें लिखो, पेपर पर लिखो, वो सब खूबियां जो एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, और फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा करो उन चीजों को कर दिखाने की। अपने आप से ये वादा करो, मुझे इस तरह की जिंदगी कबूल नहीं है, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करता हूं और मैं वो हासिल करके रहूंगा। याद रखो, आप एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हो, आप एक जबरदस्त, एक आइडियल लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन आप वो लाइफ गुजारेंगे या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि एफर्ट्स को बदले बिना आप रिजल्ट्स को नहीं बदल सकते। वो लोग जो एक बेहतर जिंदगी के लिए फाइट करते हैं, उन्हीं को ही एक बेहतर जिंदगी गुजारने का चांस मिलता है। अगर आप लोगों को गलत साबित करना चाहते हो, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने टाइम को किन कामों पर लगाना है, आप अपने टाइम को किस तरह स्पेंड करते हो। यही चीज आपके फ्यूचर की क्वालिटी को तय करेगी। आपके पास ताकत है कि आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ये फैसला करते हैं कि आप अपने एक एक मिनट को, एक एक दिन को कैसे गुजारते हैं। आप इसे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं या अपनी डिवेलपमेंट पर, आप लोगों की, माशरे की, सिस्टम की कंप्लेंट्स करने पर स्पेंड करते हैं, या अपने काम को, अपने रोल को बेहतर बनाने पर। आप अपने टाइम को ये बताने पर स्पेंड करते हैं कि आपने क्या क्या करना है, आप सिर्फ बातें करने पर स्पेंड करते हैं, या उन कामों को करने पर, कर दिखाने पर स्पेंड करते हैं। दोस्तों, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, इसको कमाना पड़ता है। कामयाबी कोई सस्ती चीज नहीं है, आपको इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। आज अगर आप कुर्बानी दोगे, मुश्किलें झीलोगे, चैलेंजेस का सामना करोगे, तो आपको एक अच्छा कल मिलेगा, जिस पर आप भी फख्र करोगे और दुनिया भी करेगी।
ज्यादातर लोग आज आसानी को आसान रास्ते को चुनते हैं और फिर कल वो दुखी होते हैं कि वो आसान रास्ता उन्हें एक मुश्किल मंजिल पर ले आया है। अगर आप मुस्तकबिल में एक अच्छी और शानदार लाइफ चाहते हो तो आपको आज मुश्किल रास्ता चुनना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।